यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पी के द्वारा कितने दिन में काम किया जा रहा है, 6 दिन में। क्यू के द्वारा कितने दिन में, 8 दिन में। और आर के द्वारा कितने दिन में किया जा रहा है, 12 डेज में। 12 डेज में किया जा रहा है। अगर तीनों मिल के काम करें तो कितने दिन में काम कर सकते हैं, हमने नोट कर लिया। पी के द्वारा कितने दिन में काम किया जा सकता है, 6। क्यू के द्वारा 8 दिन में। आर के द्वारा कितने दिन में, 12 दिन में। सबसे पहले हमने एलसीएम निकाला। एलसीएम क्या होता है, एक एलसीएम टोटल वर्क के बराबर होता है। टोटल वर्क हमने निकाला कितना होगा, 6, 8 और 12 का। एक बेसिक मेथड से अभी चल रहा हूँ, बाद में मैं आपको डायरेक्ट भी बताऊँगा। 2, 2, 3, 2, तो टोटल वर्क कितना आ गया, 24 आ गया। अब हमें क्या निकालने हैं, ईच की एफिशिएंसी निकालने हैं। यहाँ पे कितना आ गया, टोटल 24 आ गया। 24 में कितना है, 24 में 3 पार्ट है। यहाँ पे कितना है, P Q R। पी कितने दिन में काम कर रहा है, 6 दिन में। तो इसके 6 दिन में पी का है, क्यू का कितने दिन में, 8 डेज का है, और इसका आर का कितना है, 12 डेज का है। तो इसने 6 दिन में 24 वर्क करता है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 4। 8 दिन में 24, तो 1 दिन में 3। 12 दिन में 24, 1 दिन में 2 वर्क कर लिया। तो इनकी तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब हम निकाल लेंगे कि तीनों मिलकर कितने दिनों में काम करते हैं। तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तीनों मिलकर कितने काम करेंगे, टोटल वर्क कितना करना है तीनों को, 24 ही वर्क करना है। लेकिन पी का कितना है, पी प्लस क्यू प्लस आर के तीनों की इफिशेंसी हमें, यहाँ पे तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो कितना हो गया, 24 4 × 3 × 2 7 2 9। 24/9 किससे जाएगा, कटेगा, आप एक बार देखिए, 3 से 3 8 जा, तो कितना आ गया, 8/3। इसको हम लिख सकते हैं 2, 3, 2। इतने में कितने में वर्क है, कितने दिन में दोनों मिलकर काम कर सकते हैं, तीनों मिलकर के कितने दिन में काम कर सकते हैं, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में काम कर सकते हैं, 24/9। या डायरेक्ट ऑप्शन में दिया है 24/9। अगर यही पूछता है कि ए के द्वारा कितने दिन में किया जाएगा, ए के द्वारा कितने दिन में, 24। ए की इफिशेंसी कितनी है, 4 है। तो ए अकेला काम को कितने दिन में काम कर सकता है, 6 दिन में काम कर सकता है। तो आप क्वेश्चन पे हम जाते हैं, बी के द्वारा कितने दिन में करेगा, बी टोटल वर्क कितना है, 24 है। इसकी इफिशेंसी कितनी है, बी की नहीं, पी, ये पी का हो गया, ये क्यू की इफिशेंसी कितनी है, 3 है। तो कितना हो गया, 8 आ गया। इस तरह आप तीनों का निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या किया कि पी कितने दिन में काम किया, 6 दिन में। क्यों कितने, 8 दिन में। आर 12 दिन में। तीनों का एलसीएम निकाला, ये कितना हो गया, टोटल वर्क के बराबर है। अब हम निकालते हैं कि तीनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे। तो टोटल हमने वर्क कितना करना है, 24 करना है और तीनों मिल के काम कर रहे हैं। तो तीनों की इफ़िशेंसी बोल लीजिए, ये क्या है, इनकी तीनों की ओके, थैंक यू।